चले बाहर जाकर मौसम देखते हैं। आज तो मौसम बारिश का हो रहा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। चले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। चले आगे चल के शॉप्स देखते हैं। कुछ कुछ शॉप्स ही खुली हैं क्योंकि बारिश हो रही है। अब मैं छत पर आ गई हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है और हल्की हल्की बारिश तेज हो रही है बारिश। तो चलें अब नीचे चलते हैं वापस। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन सूप, जिसकी रेसिपी बहुत आसान है। इंग्रेडिएंट्स घर में ही होंगे और बहुत टेस्टी बनने वाला है। चलें अब जाकर उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और किचन में जाकर बनाते हैं। तब तक थोड़ा सा व्यू आप देख लें। क्लाउड्स कितने ज़्यादा फॉग बनने लगे हैं। चलें अब नीचे चलते हैं। आसान चीजों के साथ। अब मैंने चूल्हे पे पैन रख है और हमें चाहिए चिकन विद बोन्स, कॉर्नफ्लोर, लहसुन, अंडा और सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, नमक, काली मिर्च और लहसुन। अब मैंने पैन में काली मिर्च, लहसुन और चिकन डाल दिया है, लहसुन के 7 से 8 जोए। अब मैं नमक डालूंगी इसमें 1 चम्मच भरकर। और इसमें हमने ऑयल नहीं डाला, 7 पानी डालूंगी। चिकन स्टॉक बनाने के लिए इतना सा हम लोगों को पानी चाहिए। और अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे चिकन स्टॉक। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन डाल लूंगी। फ्रेंड्स अब हमारा स्टॉक तैयार हो गया है। नमक थोड़ा कम रख रहा है, 1 टीस्पून भरा हुआ मजीद नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें नमक ऐड करूंगी और इसको मिक्स करूंगी। अब चिकन यखनी से निकालेंगे और इसे रेशे अलग कर देंगे। अब हमारे रेशे तैयार है, इनको हम यखनी में डालेंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। अब मैंने 1/2 कप कॉर्नफ्लोर लिया था और पानी, इन दोनों को मिक्स कर इसके अंदर डाल देना है और साथ साथ मिक्स करते रहना है। साथ मैंने 4 अंडे लिए हैं। अब ये इतना गाढ़ा होगा। अब मम्मा इसमें बीटेड एग्स डालेंगी, थोड़े थोड़े डालने और साथ साथ चम्मच भी लाना है। इसको मिक्स करते जाएंगे। इसमें हमने 4 एग्स डाले हैं।
ये इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अब मैं सूप सर्व करूंगी रेड चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर के साथ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।